need to talk to चालू हो जाएगा फोन चालू हो जाएगा और मुझे तुम्हारा दोनों का पैचअप करवाना है हाँ करना है तुम दोनों को मजा आएगा जब तुम दोनों वापस अंदर जाओगे एक साथ एक साथ और सबको फेंक दोगे सोलो सोलो लड़के यस हाय सोलो हाँ ये नहीं क्या मदद चाहिए बिहार से आए कैसे आए सुसाइड करने जा रहे थे क्यों तो अरे सुसाइड क्यों करना कोरोना तो तुम्हारे घर में नहीं आया था सबके घर में आया था सबके घर में आया तो सुसाइड क्यों करना एक ही जिंदगी है बेटा एक ही जिंदगी है उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहता है कोरोना आया भी और चला भी गया मुंह उठा के तुम बचे हो ईश्वर को शुक्रिया अदा करो है कि नहीं बेबी सुसाइड तो आप कभी भी कर सकते हो वो तो ऑप्शन हमेशा है ना आपके पास मतलब वो कभी भी कर सकते हो पहले ट्राई तो करो जिंदगी ये करो ये करो पहले ये करो तंबाकू देखो तंबाकू देखो देखो दोस्तों देखो ये करो ये देखो ये करो ये करो ये करो तंबाकू देखो कितना कर रहा है तुम कितना ये क्या क्या पैसे अच्छा कितना पैसा चाहिए और क्या करोगे दुकान चलाओगे कि दारू पियोगे और ड्रग्स लोगे पक्का सच बताओ पक्का वादा तंबाकू खाते हो नहीं नहीं तंबाकू भी नहीं खाना है ना सोलो सोलो फोटो ले ले जी ठीक है मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ यहाँ के वॉचमैन कोई होगा ना उसका नंबर दे मेरा ड्राइवर है राम राम से मिला देना जरा दोस्तों ठीक है ना वो हम जितना आपसे मदद हो सके पहले मैं आपका बैकग्राउंड चेंज करूँ चेंज नहीं चेक करूँगी समझ गए क्योंकि मैं पैसा दूंगी बट अंधे होके पैसा मैं नहीं दे सकती हूँ पहले देखूंगी कि आप पैसे का इस्तेमाल सही करोगे या नहीं क्योंकि मैं किसी भी इंसान को जॉब लगा सकती हूँ पैसा दे के उसकी आदत बिगाड़ नहीं सकती हूँ मैं कि तुम आज आपने मेरे पास मांगा किसी कल किसी और के पास मांगोगे नहीं है ना बट हम आपकी ज़रूर मदद करें ठीक है थैंक यू चलो चलते सोलो, हैं सोलो, चल, सोलो, सोलो करने है जी वो मिलवा देंगे सोलो सोलो ठीक है ना चल बेबी सोलो 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 ले लो मैम यहाँ पे देखिए मैम ये सामने सामने अभी तो हम लोग ने कहा है सच बताऊं पहले तो मैं बहुत खुश हुई थी मतलब जैसी ही न्यूज आई थी ना मैं बस यही सोच रही थी ये तो सच है कि भगवान है मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए और आई थिंक लाइक ठीक है मतलब बेचारा उसको भी तो बुरा लग रहा है कहीं ना कहीं दोस्त तो था मेरा तो आई जस्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे बुरा लग रहा है बट अभी भी वो बैकग्राउंड में मेरे म्यूजिक चल रहा है ये तो सच है कि भगवान है हाँ बिकॉज जिशान ने पूरा कनेक्शन तोड़ दिया था और पूजा सॉरी दिव्या अग्रवाल पूजा बोल रही हूँ पूजा करने के लायक ही है दिव्या अग्रवाल के साथ कनेक्शन जोड़ा तो इसके साथ नए उर्फी के साथ नहीं तोड़ना चाहिए था कनेक्शन आज वो आउट नहीं होती एंड बिकॉज इसमें इतना दम है कि वो एंड तक रहती ये राखी सावंत कह रही है दिव्या ने इसके पर पूरा जादू किया दसा है और पूरा षड्यंत्र रचा के उर्फी को आउट किया है पूरा षड्यंत्र रचा उसने जीशान को अपने वो डोरे जो डाले ना और खींचा उसके बाद तो मैं फिर मुझे वहां से खींच लिया गया जीशान से बात हुई आपकी बाहर निकलने के बाद नहीं मेरी कोई बात नहीं
नहीं। मैंने फोन किया था बट अभी पता नहीं डिप्रेशन में है, सैड है, क्योंकि वो कह रहा है कि उसके बॉडी पे चोट आई है, वो अभी दो दिन रेस्ट करेगा, उसके बाद वो मुझसे बात करेगा। लेकिन लेकिन लोग कहीं ना कहीं ट्विटर पे कई फैंस ये भी बोल रहे हैं कि मतलब कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने सीजन में बहुत ज्यादा मतलब वो वाइल्ड हो गए, उन्होंने धक्का भी दिया, पुश भी किया, उनको ने निकाला, जीशान को निकाल दिया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बिग बॉस पे अपना है, बिग बॉस की आंखें जो है ना वो कुछ नहीं छुपता है। बिग बॉस ने देखा है किसने क्या मारा, वो जूम कर 10 बार ने 100 बार जूम कर करके देखते हैं कि किसका कसूर है। अगर इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो कुछ तो देख के ही लिया। बिग बॉस का डिसीजन परफेक्ट होता है, बट अभी वो आज एपिसोड देखो ना आप लोग, मैं चाहती हूँ देश की जनता आज एपिसोड देखे, वो डाउनलोड करो और बिग बॉस ओटीटी पे जाओ और देखो कि क्या धमाल हुआ, क्या मारा मारी हुई, झंडे तोड़ गए, डंडे तोड़े गए और कितनी चोटें, हाथ पैर भी तोड़े गए, लिटरली वो निशान बिग बॉस ने अगर ये डिसीजन लिया है तो कुछ तो सोच समझ के लिया। बिग बॉस का डिसीजन गलत कभी नहीं होता है, बिग बॉस सब देख रहे हैं भाई। अब जीशान तो आ गए, अब किसको सपोर्ट कर रही हैं आप? मैं तो प्रतीक को ही सपोर्ट कर रही हूँ ऑलवेज, प्रतीक। आई थिंक ही इज अमेजिंग, ही इज वंडरफुल, बहुत सही खेल रहा है। प्रतीक नेहा बसेन जो प्रतीक पे पूरे डोरे डाल रही है और यहाँ पे उर्फी का दिल जल रहा है बहुत ज्यादा, समझ ही नहीं आ रहा मेरा दिल किस साइड है क्योंकि जलन इतनी ज्यादा हो चुकी है। उसने प्रतीक अपने एप्पल अपनी बॉडी पे लगा लगा के नेहा बसेन को दिया और नेहा बसेन वो एप्पलों का जूस पी रही है और छिलके उर्फी को दे रही है। नहीं नहीं, मतलब छिलके भी नसीब नहीं हुए, मतलब छिलके तक नसीब नहीं हुए, वो छिलके भी निकल गई नेहा। लेकिन तुम्हें जाना है बिग बॉस में, एप्पल वेप्पल जूस वो छिलके सब छीन लेने हैं। अरे नेहा के भी छीन लूंगी मैं। ओ, तो जाने वाली है दुआ, सरप्राइज, थोड़ा सरप्राइज रहने दो ना। आई कांट से एनीथिंग, आई एम सॉरी। तो ओके, अगर इस बार अगर अंदर गई तो अंदर की स्ट्रेटजी क्या होगी इस बार? वो यहां कैसे बता दूं मैं, फिर भी कुछ तो सोचा होगा कि इस बार अब तो बाहर भी देखना है। अभी क्या बोला, सरप्राइज, वो भी सरप्राइज ही रहेगा। अब ये जख्मी शेरनी, हाँ। जख्मी नागिन, जख्मी चमगादड़ है, तो सोच सकते हो कि क्या होने वाला है। अगर ये अभी अंदर गई तो सबकी बैंड बजा देगी, खटिया खड़ी कर देगी। तो राखी की भी टिप्स है आपके साथ में, पूरे के पूरे राखी ने मुझे ट्रेन कर दिया है, तो अब जो मेरे जख्म पे मुझे कैसे वो लगाना है ना, ऐसा ट्रेन कर दिया है कि अब ना रुकने वाली ट्रेन है, ये बुलेट ट्रेन बन चुकी है, अभी उड़ भी जाएगी ये ट्रेन, आप देखना। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, आ जाओ, ओके बाय। मेरे ड्राइवर को नंबर दे देना आप। जिम में आने वाला है क्या? 1 मिनट, 1 हो गया।